हरे कृष्णा, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, मैं कहीं घर के बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं घर पर ही बैठा हूँ। लेकिन ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही है तो आपको बताना ज़रूरी है, आपको पता होना ज़रूरी है कि कैसी कैसी चीज़ें हो जाती हैं। आपने वीडियो के थंबनेल टाइटल में देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने अपना ब्लॉगिंग सेटअप को अपग्रेड करने के लिए थोड़ा पीछे नॉइस है वो आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं घर में ही बैठ के बना रहा हूँ। तो मैंने अपने ब्लॉगिंग सेटअप को अपग्रेड करने के लिए एक माइक तो बोया का पहले ही मंगा लिया था, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक कैमरा मंगा लिया जाए। 10,000 रुपये के आसपास SJ कैम आ रहा था, मैंने सर्च किया था, सबसे आसान SJ कैम ही था। तो अब हम बताते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है। बहुत सारी ब्लॉगिंग की वीडियोज़ मैं डाल चुका हूँ और आगे और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, और आगे मेरी क्वालिटी ऑडियो और वीडियो की भी बेहतरी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं हमारे साथ हुआ क्या, सुनिए पूरी कहानी। तो 23 तारीख को सेल लगने वाली थी, मतलब लगी थी, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ही लगी थी। तो मैंने अमेज़ॉन से 23 तारीख को ऑर्डर करने का मन बना लिया था कि मैं SJ कैम ऑर्डर करूँगा। SJ कैम का जो एक्चुअल प्राइस था वो लगभग 10,800 के आसपास था, लेकिन वो सेल में मुझे 1400 रुपये सस्ता पड़ गया। और मैंने वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया, मैं अमेज़ॉन से जितनी भी चीज़ें ऑर्डर करता हूँ उसकी पेमेंट मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, और वो सब चीज़ें अच्छी खासी आ ही जाती हैं। तो मैंने कैमरा भी ऑर्डर किया, मैंने माइक ऑर्डर किया था, माइक बिल्कुल ठीक ठाक सही हालत में आया था। मैंने कैमरा ऑर्डर किया और 23 तारीख को मैंने सुबह को 7 बजे ऑर्डर कर दिया था। 27 तारीख की उसकी डेट थी कि डिलीवरी बॉय मुझे दे जाएगा। 27 तारीख को डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया, तो मैं घर पर नहीं था, मैं घर के बाहर था। मैंने उसको कहा कि मैं 1 घंटे में तुम्हें मिल जाऊंगा, तो मैं उससे रास्ते में ही मिल गया। मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ, अगर तुम यहाँ पर दे सकते हो तो दे दो। तो वो मुझे रास्ते में मिल गया, कह रहा हाँ यहाँ मुझे कन्वीनियंट रहेगा वरना मैं लेट हो जाऊँगा देने में। तो मैंने उसे रास्ते में ले लिया। मेरे पे जो OTP आया था मोबाइल पे, वो मैंने OTP देख लिया था, और उस पे ID भी आई हुई थी कि मैसेज में ID आई थी कि आप इसको चेक करने के बाद ही OTP देना। तो मैंने वो ID भी देख ली थी, और फिर मैंने ये मेरे पार्सल बराबर में ही रखा है जो आया था। तो मैंने सब जगह ID चेक करी, लेकिन ID मुझे कहीं भी नहीं मिली। और हम धूप में खड़े रहे लगभग 3-4 मिनट, उसने भी ढूंढा, उसे ID कहीं नहीं मिली। तो उसने कहा कि भाई मुझे जल्दी हो रही है तो मुझे OTP दे दो। तो मैंने उसे फिर OTP दे दिया। मैंने कहा मोस्टली चीज़ें ठीक होती हैं तो ये भी ठीक ही होगी। तो मैंने घर आके चेक किया, और जैसे ही मैंने खोला, सारी पैकिंग वगैरह खोली, तो उसमें सब चीज़ थी, बस कैमरा ही नहीं था। मेरे होश उड़ गए उस टाइम, क्योंकि कोई 9,500 रुपये इनिशियल स्टेज में किसी के लिए DSLR लेना आसान बात होगा, लेकिन अपने उस पर अपने पैसों से तुम 9,500-10,000 रुपये कोई चीज़ ले रहे हो, और वो भी ऐसी हो जाए तो बहुत घटिया और बहुत दिल को लगने वाली बात है। मेरे होश उड़ गए और मुझे पसीने आने लगे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मुझे कैश ऑन डिलीवरी कर देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। फिर मैं आपको भी पार्सल भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ फिर मैंने क्या किया और क्या हुआ। तो मैं उसी टाइम मैंने फिर डिलीवरी बॉय को फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया। मैंने कहा इसमें मुझे सबसे ज़्यादा शक ये हुआ कि शायद डिलीवरी बॉय ने निकाल लिया हो, ऐसा कुछ कर लिया हो। तो मैंने डिलीवरी बॉय को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि इसमें अगर नहीं है तो आप इसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप इसको वापस करने के लिए रिटर्न कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो मैंने कंप्लेंट तो एक आध चीज़ की पहले भी डाली हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा क्योंकि कोई यकीन करे ना करे। तो मैंने उससे पूछा कि अमेज़ॉन का ऑफ़िस किधर है। पहले हमारी गली के ही पास था, लेकिन यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर अमेज़ॉन का एक नया ऑफ़िस खुला है, वही ऑफ़िस शिफ्ट हो गया है। तो मैंने एकदम बैग में भरा सब सामान और मैं एकदम गया अमेज़ॉन के ऑफ़िस। तो वहाँ पर एक भाई मिले, तो उन्होंने बहुत कहा कि चलो कोई नहीं हो जाएगा, ऐसा होता रहता है। तो मुझे थोड़ी जान में जान आई, मेरी शांति हुई अंदर से कि हाँ चलो कोई नहीं। मैं लगभग उनके पास आधे घंटे बैठा रहा, उन्होंने मेरे ही फ़ोन से मैसेज किया, उन्हें अमेज़ॉन ऐप खोलकर कॉल की, उधर से कॉल बैक आई। फिर उन्होंने कहा कि हाँ इसमें मिसिंग है, मेन आइटम मिसिंग है। तो उन्होंने कहा कि तुमने डिलीवरी बॉय के सामने खोला था? तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने ये कहा कि डिलीवरी बॉय मेरे ही सामने है, मैंने इन्हीं के सामने खोल के रखा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ मिसिंग आई है तो आप उसे खुद कॉल कर सकते हैं, और उससे यही कहें कि डिलीवरी बॉय कि मैं डिलीवरी बॉय के सामने ही खड़ा हूँ और मैं खोल कर उसे दिखाया है, आप चाहें तो बात कर सकते हैं, आप किसी और किसी से भी बात करवा सकते हैं उसकी। तो उन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने कहा कि हम 5 दिन रिव्यू में लेंगे कि हाँ कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर क्या चीज़ निकाली गई है।
तो 5 दिन होना, अब आज 29 तारीख है, कल मैं बिजी था, मैं वरना कल ही वीडियो बनाता। तो आज 29 तारीख है और 3 तारीख को उन्होंने कहा है कि वो 3 तारीख को कॉल बैक करेंगे या फिर मुझे कॉल करनी पड़ेगी, वो 3 तारीख को बता देंगे कि हाँ रिटर्न किस दिन हो जाएगा और वो इसे ले जाएंगे। अब पार्सल था ये ऊपर की पॉलीथीन थी, इसके साथ मैगजीन आई थी, ये हमने फाड़ दी, ये मैंने खुद ही अपने हाथ से फाड़ी, ये कहीं से डैमेज नहीं थी। उन्होंने ये भी पूछा था कि डैमेज थी या नहीं, तो ये कहीं से डैमेज नहीं थी। ये इसका बिल है, ये सब ऐसा ही बड़ा सीधा पड़ा है। मेन चीज़ है ये, इसके ऊपर ये वाला एक कवर भी था, इसके अंदर से तुम कैमरा देख सकते थे, लेकिन जब मैंने देखा तो इसके अंदर मुझे क्या दिखा वो मैं बताता हूँ। मुझे इसके अंदर से सिर्फ ये चीज़ दिखाई दी और यही देख के मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा यार कैमरा ही नहीं, बाकी सारी एसेसरीज हैं, ये टच और ये माउंट सारे सब चीज़ हैं, लेकिन बस कैमरा ही नहीं। ये एडिसिव माउंट है, वाटर प्रूफिंग केस भी है, ये वाटर प्रूफिंग केस का ही एक पार्ट है, बाकी सब चीज़ है लेकिन बस कैमरा ही नहीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई चीज़ ऑर्डर करें तो हो सके तो कैश ऑन डिलीवरी करें, वरना बहुत एहतियाती से, या फिर हो सके तो ऑफलाइन ही ख़रीद लें, वरना इतना झंझट पालना पड़ेगा, 5-6 दिन का वेट करना पड़ेगा और 9-10 हज़ार रुपये आप पेमेंट भी कर देंगे तब भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हाँ। मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, वरना मैंने कितनी सारी चीज़ें मंगाई हैं, लगभग मैंने 7 हज़ार रुपये का एक स्पीकर मंगाया था तो वो भी सही था और अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। बस यही मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा बहुत पता चला हो, आप भी अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और SDKM मंगाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो कन्वीनियंट रहे वो देखें। मैंने जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। ये थोड़ा सा सैड सीन है हमारी जर्नी का, बट कोई नहीं, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। दिन कोई बुरा नहीं होता है, एक्सपीरियंसेस बुरे या अच्छे होते हैं और जो होने बहुत ज़रूरी हैं। इससे भी कुछ ना कुछ हमने सीखा, और हमने सीखा क्या वो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि हमने सीखा ये कि डिलीवरी बॉय के सामने ओपन करो, चाहे कितना ही टाइम लगे, आप उसको दे दोगे, वो उसकी हेडक है, वो जैसे भी करेगा, तुम्हें भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा तुम्हें टेंशन नहीं होगी। और हो सके तो कैश ऑन डिलीवरी कर दो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.